किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे पोहा। पोहे के लिए ये हमने चिड़वा लिया है, चिवड़ा हमारा मोटे वाला थिक वाला पोहा लिया है। उसके साथ ही मूंगफली, प्याज लिया, आलू, किशमिश, करी पत्ता, सरसों, और इसके अलावा आपको सब्जी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बनाते हैं पोहा। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। ये हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हम मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने डालें एक चम्मच, ये थोड़े से पक जाए सरसों दाना। फिर उसके बाद हम ये करी पत्ता डालेंगे। ये सरसों पक गई है, इसमें हम करी पत्ता डालेंगे। ये करी पत्ता डाल दिया के बाद ये मूंगफली, इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, ऐसे नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को भी बना के खा सकते हैं आपको जब भूख लगे। सबको ही पसंद आता है ये पोहा। ये देखिए हमारी मूंगफलियां पकने लगी हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने प्याज भी ऐड कर दी। इसके साथ ही मैंने एक छोटा आलू बारीक कटा हुआ लिया है। इसमें बॉयल आलू भी डाल सकते हैं चाहे तो। मैंने कच्चे डाला है, ये मैंने कच्चा आलू डाला है। आप उबला हुआ आलू भी यूज कर सकते हैं। तो पका लेंगे थोड़ी देर। अब इसमें हम थोड़ी हल्दी डाल देते हैं, नमक, ये एक चम्मच मैंने पिसी चीनी डाली है इसमें। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी जिससे कि मसाले लगे ना, और थोड़ा आलू भी गल जाएगा। पानी डालने से थोड़ा सा आलू गल जाएगा, इसलिए जरा से पानी डाला मैंने। इतने ही पकेगा, इतने हम पोहे को धो लेते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और डालूंगी। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है काली मिर्च डाली है। फिर चेक कर लेते हैं एक बार आलू गल गए या नहीं। ये थोड़े थोड़े गल गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। थोड़ा क्रंची से आएंगे आलू में। ये मैंने धो लिया अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी किशमिश डालूंगी इसमें, जो मैंने धो के रखी हुई है। ये हमारा पोहा तैयार है।
इसमें अभी हम नींबू डालेंगे। ये हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, अब इसमें हम नींबू डालेंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार है पोहा। ये हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है। थैंक यू।